शिक्षा सुधार रोजगार की तरफ से मैं नीरज एक बार फिर कल हाई कोर्ट में जो सुनवाई हुई उस संबंध में आज के प्रतिष्ठित अखबारों ने बहुत अच्छी खबर दी है और NIOS DLED अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला आने की उम्मीद है। सोनू कुमार जो NIOS DLED संघ के अध्यक्ष हैं उनके द्वारा वक्तव्य दिया गया है शिक्षा सुधार को। आइए हम आपको वो ऑडियो सुनाते हैं जिसमें सोनू अपनी जुबानी ये कह रहे हैं कि कल हाई कोर्ट में क्या क्या हुआ और किस तरह का मापदंड रखा गया और आज की सुनवाई में क्या हो सकता है। हम आपको ये वीडियो और ये ऑडियो इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि ये शिक्षा सुधार रोजगार की बात है। कुछ अभ्यर्थी इस पर अभद्र कमेंट करते हैं, उनको इन कमेंटों से बचना चाहिए क्योंकि हमारा मकसद बस आपको खबर पहुंचाना है। हम किसी के पक्ष और विपक्ष में नहीं बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं सोनू जी को जो वक्तव्य दे रहे हैं हाई कोर्ट में सुनवाई क्या क्या हुआ और आज क्या हो सकता है इस संबंध में। कल का हाई कोर्ट में विपक्ष के जो वकील थे इन सर्विस के लेकर के प्रश्न उठाए कि यह जो कोर्स था इन सर्विस टीचरों के लिए था, जो सर्विस में बने रहने के लिए था, जो कि उनका ये तर्क है। ये इन सर्विस वाले के लिए ऑलरेडी मैंने कोर्स करके इग्नू नालंदा ओपन से भी ऑलरेडी जॉब में है। इस आधार पर हम लोग भी जॉब जा सकते हैं इन सर्विस टीचर होते हुए भी गवर्नमेंट सर्विस में, हमारे वकील का कहना था। जी आपके वकील क्वेश्चन जी हाँ आप सेकेंड क्वेश्चन था कि बिहार सरकार बोली कि जो ये हमें 24 महीने वाला चाहिए, ये 18 महीने का कोर्स है। जी हमारे वकील साहब का कहना है कि यह कोर्स पूरी तरह से 2 वर्षीय है। जी बल्कि यह विशेष परिस्थिति में 18 महीने में कराई गई है, लोकसभा और राज्यसभा से पारित करवा करके। ये सेकेंड क्वेश्चन था कि ये आप लोग हमें बिहार सरकार को 24 महीने का कोर्स वाला चाहिए, नहीं 2 वर्षीय चाहिए, बिहार के वकील का कहना था। जी जिससे कि मेरे वकील बाइबी जी सर का कहना था कि यह कोर्स पूरी तरह से 2 वर्षीय है, यह जो विज्ञापन है, सर्टिफिकेट है, ये SBA WBA हर जगह पर 2 वर्षीय कोर्स लिखा हुआ है। ठीक है, कैसे 18 महीने का कोर्स हुआ? जी यह लोकसभा राज्यसभा NCERT MHRD हर जगह से अप्रूवल है, यह बिना 2 वर्षीय कोर्स का अप्रूवल थोड़ी दिया गया है। इसलिए यह पूर्णतः 2 वर्षीय कोर्स है, या विशेष परिस्थिति में सरकार के समय के अभाव के कारण इसे 18 महीने में कंप्लीट कराया गया, यह कोर्स 2 वर्षीय ही है। हमने सुना है कि NCT के वकील ने रटा रटाया बयान दिया, उस पर आप रस्सी डालेंगे? NCT के जो जो बयान दिया गया है उस पर वह पूरी तरह से अंजना मिश्रा के द्वारा डांट खाए हैं और उन्हें कहा गया है कि आप जो डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है पहले से उस चीज को पढ़ कर बयान दें, आप गलत गलत तर्क ना दें। अच्छा, उनके द्वारा क्या ऐसा कहा जा रहा था कि उनको डांट लगी? उनका ये कहना था कि ये 18 महीने का कोर्स है, जबकि हम लोग का सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है कि ये 2 वर्षीय कोर्स है, मार्कशीट सर्टिफिकेट दोनों में लिखा हुआ है। NCT के वकील ने आपके विरोध में जाकर ऐसा क्यों कहा? NCT अपना पक्ष में अपनी बातों को रख रहे थे जी, और हम लोगों का अपना हमारे जो बैदी के वकील है हम लोग का पक्ष को रख रहे थे। हम लोग का पक्ष कोर्ट में भारी देखने को मिला और अंजना मिश्रा हम लोग के पक्ष में फैसला देने के लिए भी तैयार हो गई थी, परंतु वो बीच में ही पीके साई जो बिहार सरकार या NCT के द्वारा जो वो आकर के हम लोग को समय मांग लिए एडवोकेट से कि जज साहब से कि आप समय दीजिए, हम अपना बहस को और बढ़ाना चाहते हैं। और समय अभाव के कारण अंजना मिश्रा लंच का समय होने के कारण कि वो बोले कि लंच के बाद ही आगे का प्रोसेस किया जाए, लेकिन पीके साहब ने फिर नेक्स्ट डेट मांग ली है कि कल 11 बजे से किया जाए। इस तक हमारे भाई सर ने बोला कि 9 नवंबर को हम लोग का तिथि समाप्त होने वाली है। इसमें पीके साहब का तर्क था कि आप लोग अगर कोर्ट आप लोग का आदेश शामिल होंगे तो तारीख भी बढ़ाई जाएगी, ये कोई मुद्दा नहीं है। और इसी के साथ हम लोग का डेट को आज के लिए बढ़ा दिया गया, आज 11 बजे फिर हम लोग का बहस शुरू होगी कोर्ट में। आपसे हम एक बात पूछना चाहेंगे कि क्या NCT के वकील आप लोगों के खिलाफ में जा रहे हैं? NCT का ये तर्क है कि यह कोर्स 18 महीने में कराया गया है जी, और उसका ये तर्क है कि बिहार सरकार नियोजन प्रक्रिया में लेती है भाग या नहीं, यह बिहार सरकार का मामला है। ये मेरा जो हमसे पूछा गया है कि ये कितने महीने का कोर्स है, हमने जवाब दिया है कि 18 महीने का कोर्स है।
मतलब उनके तरफ से एनसीटी के तरफ से आपको राहत देने में कंजूसी की जा रही है। हाँ, एनसीटी अगर मामला को पूरी तरह से कंप्लीट कर देती, जो सारा लोकसभा राज्यसभा चाहिए सारी चीजों से दिया गया तो इंटर्नशिप का चर्चा को नहीं इंक्लूड किया गया, ये सब अगर तो मामला ये तुरंत ही खत्म हो जाता। मेन वहाँ पर समस्या जो आ रही है बिहार सरकार के द्वारा आ रही है। अब एनसीटी भी हम लोग के लिए कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, बिहार सरकार की जो रुख है तो कहीं ना कहीं हम लोगों के प्रति सकारात्मक नहीं दिख रही है, लेकिन न्यायालय पे हमें पूर्ण विश्वास है। न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा हम लोगों को निश्चित रूप से न्याय मिलेगी। समय को थोड़ा बहुत डिस्टर्ब कर सकते हैं परंतु हम लोग को डिग्री की मान्य है और था और रहेगा। सुनो जी, आपके कार्य से पूरे बिहार नहीं पूरे भारत के 2.5 लाख ऐसे NIOS TLED अभ्यर्थी हैं जो परेशान चल रहे हैं, उनको बहुत फायदा होगा। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। आगे जैसे ही इस पर कोई अच्छा फैसला आता है हम आपसे फिर संपर्क करेंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर।